दोनों एक हद हाँ तक बहुत ज़्यादा प्यार करती थी हुमा जी वॉज वेरी पोजिव बस बैठी रहो मतलब कहीं दहेलियों में नहीं जाना फजूर कमेटी पार्टियों में नहीं जाना आ, ये नहीं करना मतलब कि उनको होता था कि ये बैठी नहीं है और मैं बस इधर बैठी हुआ मतलब कि सही रात बैठी हुई हूँ मैं उनके साथ सो so, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती थी अच्छा लगता था उस टाइम पर लेकिन सफोकेशन होती थी कि यार इतना नहीं होना चाहिए बाकी भी बहुओं को उसका नहीं कहती मुझे क्यों कहती हैं बट उन्होंने मुझे एक बात की थी कि मैं हूँ ना तो सारे प्यार करते तेनों पता चला कि जब मैं नहीं हो तो सो so, कुछ चीज़ें उनकी ऐसी मुझे हिट की है उनके जानने के बाद मुझे ऐसा था कि जो मेरी माँ और मेरी सास मुझे प्यार करती थी ना वो प्यार मुझे आ, नहीं बाकी लोगों से कभी मिला हुमा से मुकालमा हुआ था हॉस्पिटल uh, वो सर्जरी के जा रही थी उनकी जो लेफ़्ट आग थी उसकी इम्पूटेशन थी बिकॉज वो बिकॉज वो गैंग्रीन इतना ज़्यादा वो हो गया था कि वो कहती थी कि मैं मैंने पैर नहीं कटवाना और जब डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि आपका टो की जगह आपका हाफ वो कटना है तो मुझे मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही बिकॉज उनको जूतों का इतना शौक उनकी बुलिंग बुलिंग मतलब कि मुझे फील होता था कि यार नो शी इज़ नॉट गुड टू सरवाइव लाइक दिस ना बट वो अगर करवा लेती शायद उनकी जान बच जाती अब वो चीज़ इतनी फैल गई थी कि उनकी आधी टांग टांगते पहुँच गई और हॉस्पिटल में उनको जब हम लोग उनको प्रिपेयर कर रहे थे तो उनको सिर्फ यही था देख तेरी माँ नहीं आई मतलब कि उनको मेरी अम्मी के हाथ के खगे इतने पसंद थे और मेरी अम्मी भी उन दिनों में हेल्थ वाइज डिटोरिएट वो भी कर रही थी लेकिन उनको डायग्नोज बाद में पता चला कि उनकी हेल्थ ख़राब हो रही थी तो मेरी अम्मी का यही कह देख तेरी माँ नहीं आई ना मैं मरन लगी हैं तो ते तेरी माँ नहीं आई मैंने कहा हमारा जब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के जो होता है ना सूट उन्होंने वो नहीं पहना उन्होंने घर से कहा मुझे नीले रंग का मेरा प्योर का जोड़ा लेके आओ तो हम उनको नीले रंग का जोड़ा पहनाया और बस ये लास्ट बात हुई है कि तेरी माँ देख तेरी माँ नहीं मैंने मिलन आई ना उन्होंने नहीं पता मैं मरन लगी हूँ दैट्स द ओनली थिंग मेरा होया और मैं रोते हुए आई रिमेंबर मैं रोते हुए बाहर चली गई कि किस तरह की बातें कर रही है सो शी न्यू दैट कहीं ना कहीं उनको था कि hmm. not going to survive. कहती भी थी, जिस दिन लत कटोगे ना मैं मर जाऊंगी तो शी हैप्पीएस्ट मोमेंट आप दोनों की जिंदगी का जिस मिली थी, oh. जिस मिली oh. कैसे मैं पहले कहेंगे, ये क्या कह दिया दैट द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ जब मैं अपनी वाले दिन जब मैं स्टेज पर बैठी हुई थी मैं इतना स्माइल कर रही थी कि मेरी खालना के क्या दंद अंदर ये ये वो जमाना था ना जब शादीशुदा लड़कियों को ज़्यादा हंसने की इजाज़त नहीं हाँ, मतलब कि बिल्कुल सीधे होके बैठो आ, मतलब कि ये क्या दांत ही निकालना सीरियस होके बैठो तो मैं... हाँ। आप दोनों ने लाइक अपनी जिंदगी को आप ये समझते हैं कि सबसे हैप्पीस्ट मोमेंट जो है वो वो था जब आप दोनों एक दूसरे को मिले हाँ। तो उसके बाद बच्चे कामयाबी ये वो सैकड़ों चीज़ें होती हैं इतना कुछ और खुशियां समेटने के बाद भी उस मोमेंट को इतना बरकरार रखना कि आज भी आपके लिए वो सबसे पुर मुसरत लम्हा हो इसके पीछे क्या राज है इसके पीछे वो जो है कि हमारा कम्युनिकेशन लेवल एक दूसरे के साथ जो है ना वो काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी है हम लोग मियाँ बीवी तो है पहले हम लोग अच्छे दोस्त बने थे उसके बाद हम मियाँ बीवी बने थे तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी आपको दोस्ती खत्म नहीं करनी चाहिए दोस्तों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते ना तो दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए so, hmm. रिश्तों exactly. में है ना hmm. मतलब माँ बाप भी, भी hmm. स्पाउस भी बहन भाई भी hmm. मैं इतने रिश्ते हम लोगों ने लेके चले और ऊपर से जब हमारे दोनों के पेरेंट्स नहीं है फैमिली तो हमें इन्हें एक कांटों का ताज पहना दिया गया बद का और हम बड़े हैं बड़े, बड़े, हैं, बड़े हैं बड़े अब वो हम ना एडजस्ट ही करते हैं बड़ी बहू तो। मतलब हाँ। मैं अगर कहूँ की आज मेरा दिल नहीं नहीं भाइयों को ना बुला लो वो कहेंगे हमारे तो हमारे बाप के घर में नहीं हम आ सकते ये चीज ये चीज हिट करती है की यार ये उनका घर है ये उनके बाप का घर है एक बाहर से खातून आके अपना हक जमाल कीजिए की मेरे घर ना ये मेरा घर नहीं है चाहे वो मुझे मेरे ससुर कहते थे आशु ये आपका घर है बट जो भी है है इनका और इनके भाइयों का सबसे लम्हा लूजिंग माई पेरेंट्स एंड टू बी वेरी ऑनस्ट लूजिंग माई मदर लॉ एंड फादर लॉल्सो बिकॉज मेरे जो मैं जब शादी होकर आई मेरे ससुर के घर में कोई बेटी कोई लड़की नहीं थी hmm. सवाई चार भाई थे ना चार, चार भाई और मेरे बस दादी सास छड़ियां दा कार छड़ियां दा कार और बूढ़ी दादी जो माशाल्लाह से उस टाइम पे 80 प्लस 80 की होंगी शी वाज 80 प्लस शी वाज 80 प्लस और वो बूढ़ी औरत उस घर में और जिस सब भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ और जिस तरह तो आई वाज द फर्स्ट फीमेल इन द हाउस और मतलब बड़ा प्यार मुझे ऐसे लगता है कि मैं आ, मेरी सब फ्रेंड्स को मेरी सारी फैमिली को पता होगा कि गुलजी के लिए मेरे दिल में कितना प्यार बिकॉज उन्होंने लिटरली कभी मुझे डांटा नहीं hmm. और अगर कोई बात एक दफ़ा जिंदगी में कोई बात उनको मेरी लगी थी वो भी मैंने नहीं कि मतलब कि जैसे होता है कि कोई आ, उनकी रिपोर्ट हुमा जी को दे दी आज गुल जी ने ये किया तो वो बस उन्होंने कहा कि फिर मुझे समझाया उन्होंने मैं, मैं मैं रोने वाली होगी गुल जी आपसे बात की उन्होंने कहा बेटा ये आप मेरी बेटी हैं जो बात इस घर की है ना आपका नहीं है कि इनकी माँ को भी दैट जाट वो चीज़ मैंने समझ ली और मैंने कहा कि ये मैंने गुल जी आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा देखिए यही इस सेगमेंट का फायदा भी होता है लोग किस तरह से आपने मेरे को ये आपको प्यार है बिल्कुल अपना प्यार ये देखिए जो हम जाके हालांकि मैंने अपनी माँ को नहीं बताया था मैंने बताया तो अपनी सास को था देखिए उन्होंने ये भी तक मुझे कहा कि कुछ प्राइवेट चीजें होती हैं कुछ चीजें तो बेटा आप मेरी बेटी हो आपको कोई बात है आपने मेरे पास आना है और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखना उन्होंने उनको पता था मुझे क्या क्या चीज़ें खाने की पसंद है तो रोज़ रात को ना इतना सा डब्बा मिठाई का मेरे लिए आ रहा है इतना सा अन अवान मेरे दोनों बेटों के लिए उनको जो जो चीज़ें पसंद थी वो प्यार उन्हें फिर मुझे काम के दौरान उन्हें कहना ये बैठे बैठ जाए ये जूस पिए पहले सिप सिप करके जूस पिए सो दीज आर द थिंग्स के जब वो नहीं थे ना मुझे लिटरली मुझे ऐसे लगा था उस टाइम पर कि बस मैं अकेली होगी दो दो साल के वक्फे से गुलजी की डेथ हुई उसके बाद दो साल बाद हुमा जी की डेथ हुई उसके दो साल बाद मेरी माँ की डेथ हुई अच्छा ये बहुत सारे खानदानों में है चूंकि एक नस्ल के लोग होते हैं ना तो एकदम से बातों के घर खाली हो जाते हैं ना बट सर मेरे एक्चुअली पेरेंट्स की तो जी सेपरेशन हो गई हुई थी लेकिन मज़े की बात यह है वो दोनों सेपरेशन के बाद मतलब कुछ साल बाद समझ समझे सेपरेशन के कुछ चार पाँच साल बाद वो दोनों इतने अच्छे दोस्त ऐसे शुक्र की था कि सेपरेशन हो गई थी मतलब पहले अनबन हो जाती थी उसके बाद दे रियली यू नो प्लाइट एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और खाना इकट्ठे खाते थे मतलब एक एहतराम का रिश्ता फेवरेट मेमोरी

वो बड़ा फनी वाक्य है हम लोग लंकावी में थे और हम लोग वो जो वाटर बोट होती है ना? मलेशिया ना। हम लोग वो मोहम्मद अली को सडनली अमिताभ वाला सीन आ गया वो मोटर बोट पे जाना में समंदर में एग्जैक्टली ना exactly मैं नाम ही रहे, रहे। में तो में। वो हम लोग मैं और अली और बच्चे हमारे बैठे हुए हैं उधर साइड पे ना मतलब शोर पे बैठे हम दोनों में कह रही हूँ

कह मोहम्मद अली प्लीज़ ना करो मैंने पकड़ा मैं कहा मोहम्मद अली मैं पीछे से बाउंस हो रही ना करो अच्छा मोहम्मद अली ने एकदम स्पीड में आके ना इधर जब कट मारा बीच में, हम लोग नीचे हुँ। हुँ। और वाटर बोट वो हमारे ऊपर मैं पानी के नीचे काफी दूर थे और मुझे ये पता था एक तो टेंशन कि मुझे ऊपर से टेंशन नहीं थी कि मेरी चनेल की ग्लासेस है ये अगर डिब गई तो मैं एकदम बाहर निकली तो मुझे सांस आया ना तो हमने खैर हिलाया हुलाया हाथ तो हमने खाया तो हमारे बच्चे क्या कहते हैं

बहुत बहुत शुक्रिया आयशा ये था आज का जबरदस्त और आखिर में जो आयशा साहबा ने वाक़ा शेयर किया फेवरेट मेमोरी के हवाले से अली नबी और आयशा नबी तो मुझे याद आ गया उन्हीं अशार पर प्रोग्राम का कर अख्ताम करते हैं तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं जो इख्तियार भी होता तो क्या भुला देते और समातों को मैं यानी कि जो सुनने की जो हिस्स है ना समातों को मैं ताउम्र कोस्ता सैयद समातों को मैं ताउम्र, ताउम्र कोस्ता सैयद वो कुछ ना कहते मगर होंठ तो हिला देते <laughs>